नमस्कार, मार्केट समझना में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और कल की तेज बिकवाली के बाद आज भारतीय बाजारों की शुरुआत फ्लैट पॉजिटिव, फिर बिकवाली और फिर लोअर लेवल से एक स्ट्रांग पुल बैक, और पुल बैक ऐसा कि करीब 100 अंकों से ज़्यादा का एक मूव लोअर लेवल से मार्केट्स में देखने को मिला। मेजरली बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि हैवी वेट रिलायंस एक तरफ गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाकी जो खरीदारी थी वो बैंक साइड से आते हुए दिखाई पड़ी और मेजरली वो मार्केट को सपोर्ट कर भी रहे थे। और मिड कैप स्मॉल कैप कल भी बहुत ज़्यादा टूटा नहीं था, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे मिड कैप स्मॉल कैप बंद हुए थे, स्मॉल कैप में हर खरीदारी थी और मिड कैप लाल निशान में बंद हुए थे, और आज भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी डैमेज नहीं था। तो एक इंडिविजुअली अलग अलग सेक्टर्स जहाँ पर बाइंग थी, मिसाल तौर पर सीमेंट में बाइंग थी, केमिकल्स में बाइंग थी, या फिर सेलेक्टिव आईटी के अंदर एक अच्छी बाइंग थी, तो ऐसे करके छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पर खरीदारी अभी भी देखने को मिल रही है और वो कुछ हद तक सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन्फोसिस एक अच्छी तेज़ी में था आज, टीसीएस में कुछ हद तक सपोर्ट था। तो एक तरफ आईटी हैवी वेट्स बैंक्स और दूसरी तरफ रिलायंस जो कि मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहा था, तो ओवरऑल एक और अच्छा सेशन जबकि मार्केट्स में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। शिवांग गुप्ता साहब के पहले सवाल के साथ ही शुरुआत करेंगे जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 1900 के लेवल्स के क्रूशली क्लोज बंद हुआ, और ये बात सच है कि 2360 से ये शेयर टूट रहा है और फिर बीच में पुल बैक आया और वापस दोबारा टूट रहा है और क्रूशियल लेवल्स के अपने पहुंच गया है। करीब 1860 के आसपास एक क्रूशियल लेवल है जो कि पिछली बार भी इसने शायद नहीं तोड़े थे, तो इस बार भी अनुमान बाजार में यही है कि शायद ना टूटे, तो आप उस लेवल के लिहाज से टेक्निकली एटलीस्ट से देख सकते हैं। फंडामेंटली ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ, एज सच नंबर्स अच्छे हैं, सब सिचुएशन साउंड है, तो आप लंबी अवधि के लिए तो जाहिर सी बात है बने रह सकते हैं, कोई भी गिरावट अच्छा खरीदारी का मौका, लेकिन छोटी अवधि के लिहाज से हाँ टेक्निकली 1860-1850 के जो लेवल्स हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिए। अच्छा, इसके अलावा ये रिलायंस पर बात हुई थी गुफरान साहब, 3M इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म, महेंद्र सैया जी का। महेंद्र जी, दो तीन चीज़ें हैं इसके साथ। एक, ये कंपनी इतने तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, इसमें मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ सिचुएशन है। वन, US की मल्टीनेशनल जाइंट है। टू, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। थ्री, और सबसे पॉजिटिव चीज़ कि इसकी इक्विटी बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ शेयर हैं, और उसमें भी मेजर स्टॉक जो है वो प्रमोटर के पास है, जो कि US इनके प्रमोटर, US कंपनी है जो इनकी प्रमोटर है, तो उनके पास है। बैड पार्ट क्या है, महंगा बहुत शेयर है, अपनी अर्निंग्स के सामने ये शेयर थोड़ा महंगा है, भाव के हिसाब से नहीं वैल्यूएशन के हिसाब से। दूसरा, डिविडेंड नहीं देता बहुत, तो ये एक और कंपेरेटिवली बाकी मल्टीनेशनल पीयर देखेंगे, फाइजर हुआ या फिर नेस्ले हुआ, तो ये अच्छे डिविडेंड देते हैं। तो 3M इंडिया अच्छी कंपनी है, लेकिन आप इससे बेहतर विकल्प आपके पास बाजार में है, आप उनको तलाश सकते हैं जहाँ डिविडेंड भी मिले, ग्रोथ भी मिले, आप उनको देखिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी पे एक सवाल है पंकज जैन साहब का, 20 शेयर 4950 पे। जैन साहब, शायद मैंने आपसे पहले भी सवाल आपका लिया है और डॉक्टर रेड्डी पे यही राय है कि अगर आप समय दे सकते हैं तो आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है डॉक्टर रेड्डी के साथ। 6,500-7,000 तक के टारगेट्स भी ब्रोकर हाउस तरफ से हैं। ऊपरी लेवल से टूटा इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली बात है चला हुआ शेयर था काफ़ी फार्मास्यूटिकल के साथ, तो टूटना लाजमी भी है। 2300 रुपये चल के शेयर 6,000-5,000 रुपये पहुँचा है, तो ऑब्वियसली बात डबल हो चुका है, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन हाँ नीचे मिले तो आप इसे एक्यूमुलेट करिए। इस तरह के शेयर हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कोई खास इसमें ट्रबल, 2-4 दिन 2-400 रुपये के चक्कर में मत पड़िए, ये मल्टीपल साइड बढ़ने वाले शेयर हैं, अच्छे प्रोडक्ट पाइपलाइन है, NDAs हैं, तो आप इनके साथ बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रशांत जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे रिलायंस पे कि क्या सिचुएशन है, गिर इसलिए रहा है कि कुछ मार्केट में रूमर्स हैं जिनको लेकर गिर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जैसे भारती था पहले, लगातार गिर रहा था, खबरें आनी शुरू हुई तो लगातार चढ़ रहा है, तो ये अच्छे शेयर गिरते भी हैं और उसी इंटेंसिटी से वापस अपनी जगह आ जाते हैं। आपने याद ही होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स कुछ समय पहले 508 था, आज यूनाइटेड स्पिरिट्स 580 है, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो कि उन लेवल तक गए लेकिन अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट उनका सपोर्ट करता है, नंबर उनके सपोर्टिव होते हैं, तो आप वहीं यहाँ खड़े हो जाते हैं। बुरे शेयर टूटते हैं, नंबर सपोर्टिव नहीं होते तो और नीचे ले आते हैं, तो आप इस तरह से शेयरों को देखिए। रिलायंस कोई ऐसी कंपनी नहीं जो आज टूट रही है तो वो कल ख़त्म ही हो जाएगी, वापस हो जाएगा कुछ दिन बाद, 200-300 रुपये चलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पैनिक में ना आए आप, अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो 1850 क्रूशियल लेवल, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मौका मिल रहा है। ICICI बैंक में 490 पे खरीदारी है, एक ही दिन ICICI बैंक RTG टूटा है इतनी लंबी तेज़ी के बाद और आपको आज ही टेंशन हो रही है, आप होल्ड करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बैंक अच्छा है,
बहुत चला है, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आ रहा है। लेकिन जिस तरह से FIIs का पैसा डल रहा है, ऑब्वियसली बात है अभी फिलहाल यही 4-5 नाम दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पे पैसा मेजरली आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं ICICI बैंक में। फंडामेंटल वाइज, क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है इसके साथ। डाबर या HUL कौन सा अच्छा है? मिश्रा साहब, बहुत लॉजिकल सवाल है। देखिए, दोनों के पास आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो है, डाबर के पास भी और HUL के पास भी। डाबर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रखता है आयुर्वेदिक का, HUL छोटा पोर्टफोलियो रखता है आयुर्वेदिक का। डाबर भी ऑल टाइम हाई पर है, HUL ऑल टाइम हाई से नीचे है। डाबर की वैल्यूएशन और HUL की वैल्यूएशन में थोड़ा बेटर साइड पर शायद HUL की वैल्यूएशन दिखाई पड़ेगी। साइज वाइज HUL मल्टीपल टाइम्स बड़ा है डाबर से। प्रोडक्ट प्रोफाइल वाइज HUL के पास ज़्यादा प्रोडक्ट है, डाबर के पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं कंजम्पशन वाइज, FMCG वाइज। HUL फूड में भी है, हेल्थ केयर में भी है, प्लस जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी है, लेकिन डाबर नहीं है। और ज़्यादा पुरानी दोनों कंपनियों में ऑब्वियसली वादा HUL है, 130 साल पुरानी है। डाबर भी छोटी कंपनी नहीं है, डॉक्टर बर्मन की बनाई हुई कंपनी है और वो भी बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन HUL जितनी पुरानी नहीं है। विकल्प दोनों अच्छे हैं, लेकिन इस भाव पे HUL ज़्यादा अच्छा विकल्प है आप अगर लंबी अवधि के लिए लेना चाह रहे हैं। नीचे के भाव पे ऑब्वियसली वादा डाबर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एज यूजुअल ITC के ऊपर 2-3 सवाल आ चुके हैं। जय कड़ीवार साहब का एक सवाल है, सवाल ITC पे आपने लिखा नहीं है कि आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं। खैर, दोनों तीनों तरह के सवाल जो है, एक अगर ITC खरीद रखा है तो आपकी भाव पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे निवेशित हैं। 150, 160, 170 के रेंज में आप बने रहें, आपने अभी खरीदा तो भी आप बने रहें, आप लेना चाहते हैं तो नीचे लें, और मतलब इच्छा रखते हैं लेने की तो दूसरे विकल्प भी हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। ITC से जल्दी अगर आपको मूव चाहिए, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंस है तो आप बने रहिए, वरना आप दूसरे विकल्प में जा सकते हैं। मेरा फेवरेट पिक, शशांक कदम साहब, वैसे तो मैं पिक देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ कोई भी तरह की, लेकिन अगर मेरी इंडिविजुअल चॉइस पूछेंगे तो मुझे लार्ज कैप में HUL पसंद है, TCS पसंद है। मतलब टॉप 5 कंपनीज कोई भी उठा लीजिए जो Nifty 50 की हैं, सभी अच्छी हैं। 1, उसमें फंसने की गुंजाइश नहीं होती इसलिए वो मुझे पसंद है। 2, HDFC लाइफ अच्छा लगता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगता है, सिंजिन अच्छा लगता है मिड कैप में। स्मॉल HDFC लाइफ अब लार्ज हो गया, जब मिड में था तब हमें पसंद था, अब तो खैर लार्ज हो गया। स्मॉल कैप में हाँ, एक फंसने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं सिर्फ एक JK Cement का ही नाम लूँगा जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इन सब में कम अपने अपने रीज़न है। यूनाइटेड स्पिरिट्स वर्ल्ड की नंबर 1 लिकर कंपनी, Diageo इसके प्रमोटर हैं। HDFC लाइफ प्राइवेट इंश्योरर की सबसे बड़ी मार्केट शेयर ओन करने वाली कंपनी है। JK Cement व्हाइट सीमेंट में कंपनी मोनोपली ओन करती है, POP पुट्टी वगैरह जो घर में होती है उसमें इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से अब नए तरह का आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है, ये कंपनी की कैपेसिटी बहुत अच्छी है और ऐसा कोई मुकाबला है भी नहीं, मोनोपली है वहाँ पर भी। तो मैं जो भी नाम ले रहा हूँ सब वही कंपनियाँ, या तो वो दिग्गज अपने सेक्टर की, या वो कंपनियाँ ऐसा मार्केट शेयर रखती हैं जिसमें कोई उनका सानी नहीं है। जैसे कि आप मारुति को देख लीजिए, 52% मार्केट शेयर है, उसके नेक्स्ट पीयर कोई अगर है तो वह है हुंडाई, जिसका 17% मार्केट शेयर है। तो इतने बड़े गैप को भरने में हुंडाई को इतना साल लग गए कि वो 16 से लेकर 19 तक पहुंचा है, और मारुति अभी 52 पे मेंटेन्ड है। तो कोई लिस्टेड प्लेयर दूर दूर तक उसके सामने खड़ा नहीं होता, इसलिए मारुति वो दाम रखता है जो कोई और प्लेयर का नहीं है। तो सब कुछ डिपेंड करता है उस धंधे पर। कोलगेट 52% मार्केट शेयर ओन करता है, जिलेट डोमिनेंट है अपने बिजनेस में, जुबलेंट 72% मार्केट शेयर ओन करता है पिज्जा मार्केट में। तो जो डोमिनेंट है उसको बाजार रिस्पेक्ट देता है, और ये अपने अपने धंधे के डोमिनेंट है, तो आप इस लिहाज से इस कारोबार को देख सकते हैं। नालको आपके पास है 5,038 रुपये के दाम पर, क्या करूं? देखिए, आपको वैसे डिविडेंड अच्छा मिलेगा नालको में, कि डिविडेंड यील्ड ठीक है, अभी शायद 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड अनाउंस भी किया है, तो वो एक रीज़न हो सकता है जिसको आप ध्यान में रखें और अपनी पोजिशन में बने रहें। अदरवाइज भी नालको कोई बड़ा मल्टी बैगर तो नहीं बनेगा इस तरह, तो आप मान के चलिए, लेकिन हाँ ठीक ठाक आपको प्रॉफिट यहाँ पर शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मीडियम टर्म में आप रुक सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप मत रुकिएगा। इसके अलावा रिलायंस नवल अवॉइड, वोडाफोन 4 रुपये पर है, क्या करें? माधुरी जी, आपको 10 रुपये हो गया, 6 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, बढ़िया क्वांटिटी है, 24,000 रुपये प्रॉफिट बन रहा है आपका, आप पार्शियली एटलीस्ट लेके निकल जाइए। कंपनी में टर्न अराउंड तब तक नहीं होगा जब तक इसके नंबर ठीक नहीं होते। नंबर ठीक होगा तो बहुत अच्छी कंपनी, नंबर ठीक नहीं है तो कोई अच्छी कंपनी नहीं। CG पावर्स का बेस्ट एग्जांपल है, नंबर खराब थे, शेयर 8 रुपये था, नंबर ठीक हुए शेयर 36 रुपये, और बेटर हो जाएंगे, और बेटर हो जाएगा। तो सब बाजार ना भाव ही देखता है और नंबर देखता है, तभी वो तेज़ी सस्टेन करेगा, वरना तेज़ी आएगी और नंबर के बिना आएगी तो नीचे आ जाएगा। तेज़ी सस्टेन तभी होगी जब नंबर उसके सपोर्ट करेंगे, तो नंबर्स देखते रहिए, अगर वो ठीक हो रहा है तो आप बने रहिए, नंबर ठीक नहीं हो रहा तो मत बने रहिए, वो आप किसी सीधा सीधा एग्जांपल है।
इसके अलावा स्पाइस जेट का व्यू, सुब्रज्योति साहू और हिमांशु पहवा, अब दोनों बने रही है स्पाइस जेट में। आज की फॉल या और ज़्यादा गिरावट आए तो आप और खरीदारी करें, बने रहिए, आपको अच्छा दाम मिलेगा, एटलीस्ट 99-100 रुपये तो मिलेंगे, तो आप बने रह सकते हैं, कोई भी फॉल में आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा समय का अभाव है, प्रोड्यूसर आप मुझसे बोल भी रहे हैं तो एक दो सवाल और लेता हूँ। एक, टाटा मोटर 1000 शेयर हैं, 78 कहाँ तक जाएगा? 220 मानस ने आज बोला है कि शायद जा सकता है, तो आप 220 के टारगेट्स के लिए अपनी नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा एलकेम लैब पे सुमित बागरेचा साहब पूछ रहे हैं, दो कंपनी अच्छी है, आपने पता नहीं खरीदारी कर रखी है, खरीदारी करना चाहते हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बने रहिए, खरीदारी करना चाहते हैं तो लोअर लेवल का वेट करें, वहाँ पर आप इसमें एंटर करें। इसके अलावा HDFC AMC, गुफरान साहब कल भी इस पर बात हुई थी, अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ा भागा हुआ शेयर है, नीचे के दाम पर कहीं मिल जाए तो अच्छा स्टॉक है। आपको लगेगा कि भागा हुआ क्यों बोल रहा हूँ जबकि एक दाम पे ही है बहुत समय से, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा और नीचे से मिले तो ये ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। 1700-1700 तो आया था बीच में, तब वो अच्छा दाम था, वहाँ पर कहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा, माफ़ी चाहूँगा उन सबसे जिनसे आज हम बात नहीं कर पाए, समय का थोड़ा अभाव है उसके लिए, और जिनसे जिनके सवाल हमने लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @SumitResearch। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार।